ये हम आपके पास आए हैं ये बात करने के। और इतनी बात तो मैंने कही, ये WTO के एग्रीकल्चरल सेक्शन की जिसमें 56 शर्तें हैं मैंने 3 बताई, ऐसी हर एक विषय में है। एक विषय है एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, उसमें पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद दुनिया की कोई भी सर्विस कंपनी के लिए आप दरवाजे खोल दीजिए, कोई भी कंपनी भारत में आके सर्विस प्रोवाइड करे आप उसको ना नहीं कहिए। अब सर्विसेज में क्या आता है, प्रोडक्शन को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब सर्विसेज में आता है, उत्पादन को छोड़कर आप जहां जहां उत्पादन करते हैं उस हिस्से को छोड़कर दुनिया का सब काम सर्विसेज में आता है, अर्थात स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, यूनिवर्सिटी चलती है, ये सब सर्विसेज में आता है, हॉस्पिटल चलते हैं ये सब सर्विसेज में आता है, गली नालियों की सफाई की जाती है ये सब सर्विसेज में आता है, होटल चलते हैं ये सब सर्विसेज में आता है, हमारे देश में एडवोकेट्स हैं वो सभी सर्विसेज में माने जाते हैं, ये तंबू कनात पंडाल लगाने वाले सब सर्विसेज में आते हैं, साउंड सिस्टम वाले सर्विसेज में सब कुछ आता है उत्पादन को छोड़कर। तो शर्त क्या है WTO की, पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद भारत में कोई भी विदेशी कंपनी आकर सर्विस देना चाहे तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसके लिए दरवाजे खोलिए। अर्थात 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कंपनी आके भारत में रेस्टोरेंट खोलना चाहे, होटल खोलना चाहे, ढाबे खोलना चाहे, आप उसको परमिशन दीजिए, आप उसे रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कंपनी आके डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहे उसको परमिशन दीजिए, आप रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई भी कंपनी आके भारत में कॉलेजेस खोलना चाहे, स्कूल खोलना चाहे, इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहे, यूनिवर्सिटी खोलना चाहे, उसको खुली छूट दीजिए, आप उसे रोक नहीं सकते। हर क्षेत्र में अगर आप उनको खुली छूट देंगे तो होने वाला क्या है, एक छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए अमेरिका की एक कंपनी आती है, उसका नाम है वॉलमार्ट, बहुत बड़ी कंपनी है, दुकान चलाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे ज्यादा इसी कंपनी के हाथ में है, और एक और कंपनी है वो यूरोप की है, फ्रांस की है, उसका नाम है केयरफोर। ये वॉलमार्ट और केयरफोर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, लेकिन दोनों का धंधा एक ही है, हर जगह जाके दुकानें खोलना। अगर ये केयरफोर और वॉलमार्ट अगले साल से भारत में आ गए और इन्होंने हर शहर में अपनी दो चार दुकानें खोलना शुरू कर दिया और इन दुकानों पर उन्होंने आधे आधे कपड़े पहने हुए लड़कियों को बिठाना शुरू कर दिया, स्कर्ट पहने हुए लड़कियां और टॉपलेस पहने हुए लड़कियां उनके काउंटर पर बैठी हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, और हर दुकान से उन्होंने एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, तीन के साथ एक फ्री देना शुरू कर दिया, फिर क्या होगा, एक ही परिणाम होगा कि भारत का एक क्लास है जो एफ्लुएंट क्लास है, जिसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है, वो सबसे पहले इन दुकानों का खरीददार बनेगा, सबसे ज्यादा माल खरीदी करने इन दुकानों पे जाएगा। तो धीरे धीरे भारत की छोटी दुकानों में जो माल बिक रहा है वो बिकना कम होगा, बड़ी दुकानों से माल बिकेगा, इनकी दुकानों से। अब इन दुकानों से माल बिकना शुरू हुआ तो आपका प्रॉफिट उन दुकानों के पास, वो दुकानें हैं केयरफोर और वॉलमार्ट की, वॉलमार्ट और केयरफोर वाले जो भी बिजनेस करेंगे प्रॉफिट अमेरिका लेके जाएंगे। तो दो परिणाम होंगे, एक तो यहां से पैसा लेके जाएंगे, दूसरा आपकी छोटी छोटी सब दुकानें वो बंद करा देंगे। और वो बंद कैसे हो जाएंगी, अमरावती का एक उदाहरण देता हूं, केयरफोर का एक डिपार्टमेंटल स्टोर अमरावती में खुल जाए, वॉलमार्ट का एक डिपार्टमेंटल स्टोर अमरावती में खुल जाए, तो अमरावती के लोगों की लाइन लग जाएगी वहां जाके माल खरीदने की, क्योंकि हर चीज इंपोर्टेड मिलेगी और इंपोर्टेड माल को चाहने वाला एक क्लास तो है ही इस देश में, जिसके पास थोड़ा सा पैसा है, ब्लैक मनी है, सब कुछ है, वो जाके लाइन लगा के जब खरीदना शुरू करेगा तो साधारण आदमी को लगेगा यार यहां से माल खरीदना स्टेटस सिंबल है तो हम भी खरीदें, तो वो शुरू होगा और एक ऐसी घमासान लड़ाई शुरू होगी जो अमरावती के हर छोटी छोटी दुकानों को बंद करा देगी, तो छोटे दुकानदार खत्म। इसी तरह से मान लीजिए अमरावती में कोई अमेरिकन कंपनी आके एक होटल बना दे, एक रेस्टोरेंट बना दे और उस रेस्टोरेंट के माध्यम से वो सर्विस देना शुरू करे, तो अमरावती के रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए तकलीफ। इसी तरह से मान लीजिए उन्होंने आके यहां पर कोई यूनिवर्सिटी खोल दिया, अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच अमरावती में खुल गया और उन्होंने कहा जी 1000 रुपए फीस जमा करो और आप डिग्री लो, चालू हो गई उनकी यूनिवर्सिटी। तो यहां तो सब जो तपोवन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं वो सब वहां पहुंच जाएंगे और उनकी यूनिवर्सिटी में तो क्या पैसा जमा करो डिग्री लो, तो यहां एक क्लास तो है ही जिसको डिग्री चाहिए, ज्ञान से उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहां ज्ञान का महत्व नहीं है, डिग्री का महत्व है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ है कि इस देश में ज्ञान का महत्व खत्म हो गया, डिग्री का महत्व हो गया।
इस देश में, और वो डिग्री बांटेंगे यहां आके, और वो पैसे से मिल जाएगी। और अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, कभी भी कोई फेल नहीं होता वहां, कोई फेल नहीं होता, क्योंकि उनका जो सिस्टम है एजुकेशन का वो इस तरह से बनाया हुआ है कि उसमें कोई फेल ही नहीं होता, माने रद्दी से रद्दी वहां पास हो जाता है। हिंदुस्तान के बारे में आप जानते हैं, जो लड़के लड़कियां भारत के किसी स्कूल में पास नहीं हो पाते वो सब अमरीका से बड़ी बड़ी डिग्री लेके आ जाते हैं, आपको मालूम है ये सब। और अमेरिका से भी ज्यादा रद्दी डिग्रियां रूस में मिलती हैं। रूस की तो डिग्रियों का ये आलम है कि दुनिया का कोई भी सेंसिटिव देश रूस का एमबीबीएस एमडी किए हुए डॉक्टर को परमिशन देने को तैयार नहीं हॉस्पिटल खोलने के, भारत में भी नहीं है। रशिया से आप एमबीबीएस एमडी करके आइए, जब तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आप यहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कुछ पढ़ाते ही नहीं है। और वहां तो यूनिवर्सिटीज चलती हैं दुकानों की तरह से, वो तो बिजनेस है, उसमें ज्ञान देना है ऐसा कुछ मतलब नहीं, वो बिजनेस है, बिजनेस का पार्ट है। जैसे होटल चलता वैसे यूनिवर्सिटी चलते हैं यूरोप और अमेरिका में। और आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं यूरोप और अमेरिका के, जो नेटिव सिटीजन्स हैं, उनका आईक्यू दुनिया में सबसे कम है। अमेरिकन स्टूडेंट्स का आईक्यू पूरे दुनिया में सबसे कम है, इंटेलिजेंसी क्वेस्ट जिसको कहते हैं, सामान्य ज्ञान में भी वो दुनिया में सबसे पीछे हैं। यूरोपियंस लोग और अमेरिकन लोग सामान्य ज्ञान में बहुत पीछे हैं, आईक्यू उनका बहुत कम है। इसलिए अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जितने टॉपर्स होते हैं वो सभी एशियन होते हैं, भारतीय होते हैं, चाइनीज होते हैं, जापानीज होते हैं, उनके अपने नहीं है, क्योंकि आईक्यू बहुत कम है। आईक्यू कम क्यों है, क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है जिसमें आईक्यू ज्यादा डेवलप नहीं होता। तो लोएस्ट आईक्यू पे वो काम करने वाले यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, वो सब यहां आ जाएंगे, तो यहां का जो भी छोटा मोटा कम स्टैंडर्ड वाला भी एजुकेशन है उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन आपको उनके साथ करना है। तो यहां क्या होगा, मान लीजिए उनकी यूनिवर्सिटी हुई तपोवन भी यूनिवर्सिटी, अब अमेरिकन और तपोवन यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन शुरू होगा। वो कहेंगे जी हम इतने कोर्सेज पढ़ाएंगे, तीन कोर्स पढ़ाएंगे, एक कोर्स फ्री, आइए हमारे यहां। हाँ, एमबीए पढ़ाएंगे, एमबीबीएस फ्री ले जाइए हमारे पास, आइए हम आपको एडमिशन दें। हाँ, ऐसे होता है यूरोप और अमेरिका में, ऐसे होता है। एमबीए करिए, डीबीए फ्री ले जाइए, एमबीए करिए, बीबीए फ्री ले जाइए, एमबीए करिए, ये फ्री ले जाइए, वो फ्री ले जाइए, वो चालू कर देंगे। तपोवन यूनिवर्सिटी को फिर यही करना पड़ेगा कि बीकॉम करिए तो इंटर फ्री, या इंटर करिए तो ये फ्री। ये सब चक्कर जो शुरू होगा सत्यानाश कर देगा इस देश का। स्टूडेंट्स का लेवल हिंदुस्तान में भी आईक्यू में इतना नीचे हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। हो सकता है कि बहुत अच्छी डिग्री लिया हुआ विद्यार्थी एक चिट्ठी ना लिख पाए, शुद्ध मराठी का एक वाक्य ना बोल पाए, शुद्ध मराठी में कुछ लिख ना पाए। ऐसे ही दूसरे सर्विसेज में जब वो आना शुरू होंगे तकलीफ कर देंगे इस देश को। मुझे तो कभी कभी डर लगता है, ये यूरोपियन और अमेरिकन को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम है। आप कल्पना करो कि अमरीकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए कुछ, क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है भारत। मुझे सबसे बड़ा डर इस सेक्टर पे लग रहा है, क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं, मंदिर भी सब सर्विसेज में आते हैं। तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए हैं, तो चर्च में कुछ लोग जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया और किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको बना दिया, तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो। तो भारत वाले सब जा जाके अपनी कमाई भी उसमें डालेंगे, वो पैसा सीधे अमेरिका जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है भारत में सबसे आसान है, एक हनुमान जी का मंदिर बना दो, संतोषी माता का एक मंदिर बना दो, दुर्गा माता का एक मंदिर बना दो, जितना चाहो उतना चढ़ावा ले लो, गरीब से गरीब गांव में भी ले लो, जो गांव भुखमरी का शिकार है वो भी मंदिर में 10-20 लाख रुपए दान कर देता। अगर वो इस सेक्टर में घुड़े और यहां उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो आप सोचिए फिर झगड़ा होगा। हमारे जैसे आदमी जाएंगे कहेंगे भैया स्वदेशी मंदिर में जाओ, और उन्होंने विदेशी मंदिरों की लाइन खड़ी कर दी। और ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये ठोस आधार पर, आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन है कि नहीं, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं, और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है, और सारा का सारा प्रॉफिट इन
इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है इस्कॉन मंदिर में, बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका भेजता है उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है भगवान कृष्ण की छाती पर वहीं पे, और धुआंधार चढ़ावा आता है उसमें, और वो चढ़ावा करने वाले हम हैं, हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर है, और उनको वहां भक्ति समझ में आती है, उनको राम हरे कृष्ण हरे बोलना भी नहीं आता, हमारे भारतवासियों को वहां बहुत भक्ति दिखाई देती, देखो कितने भक्त हैं, यूरोप से आए हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, एसी में रहते हैं, देखो फिर भी राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हम तो सरल हृदय के, तरल हृदय के, कभी भी पिघल जाएं, किसी को भी अपना मान लें, तो हम तो चालू हो गए, हमने इनको मंदिर भी बना के दे दिया, उनको चढ़ावा भी दे रहे हैं। अभी तो ये इस्कॉन मंदिर रिस्ट्रिक्टेड है, नेक्स्ट ईयर से ये ओपन हो जाएगा पूरा मार्केट, इसमें अमेरिकन्स और यूरोपियंस घुस गए तो क्या करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए ले जाएंगे आपके देश को, कुछ नहीं कर सकते, और इनकम टैक्स भी फ्री है टोटल, वहां पे टैक्स भी नहीं देना है उनको। तो सर्विसेज का सेक्टर इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, जिसमें कोई भी अमेरिकन यूरोपियन घुस सकता है, कुछ भी करके यहां से पैसा कमा के ले जा सकता है, छोटी छोटी बातों में वो और उन सभी देशों का एक ही जैसा है कि सब जगह सब कुछ होता नहीं है, तो जहां जो कुछ होता है वहां से इकट्ठा करो और एक ही जगह कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम हो तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं ये इस मजबूरी की उपज है। अमेरिकन इकोनॉमी में, यूरोपियन इकोनॉमी में, चूंकि हर चीज हर जगह होती नहीं है, जीवन चलाने के लिए चाहिए तो सब कुछ, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है, तो उनको हर जगह जहां से भी कुछ मिले वो इकट्ठा करो, सेंट्रलाइज उसको रखो, ताकि लोग आकर उसे खरीद कर ले जा सके और अपनी जिंदगी चला सके। इसलिए उन्होंने शॉपिंग मॉल्स बनाए, और उनके शॉपिंग मॉल्स आप जानते हैं कि भारत की दुकानों जैसे नहीं है। हमारे यहाँ की दुकान और उनके शॉपिंग मॉल्स में जमीन आसमान का अंतर है। उनके यहाँ के शॉपिंग मॉल में मोटर कार से लेकर सुई और धागे तक एक ही जगह मिलेगा, क्योंकि ना मिले तो उनकी जिंदगी नहीं चलेगी। एक ही जगह मिलना उनके लिए आवश्यक है, नहीं मिलेगी तो जिंदगी नहीं चलेगी। तो उनके सारे शॉपिंग मॉल्स होंगे सेंट्रलाइज, और सेंट्रलाइज शॉपिंग मॉल्स रखने हैं तो उनके लिए सेंट्रलाइजेशन बहुत आवश्यक है। तो उनके लिए बड़ी कंपनियां जरूरी है, और बड़ी कंपनियों के लिए बड़ा पूंजी निवेश जरूरी है। तो उनके यहाँ एक शॉपिंग मॉल खोलना हो तो 2-5 लाख डॉलर से कम का किस हिसाब किताब नहीं, हो सकता है 50 लाख डॉलर का हिसाब किताब है, हो सकता है 1 करोड़ डॉलर में वो खोले। तो इसलिए वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शॉपिंग मॉल चलाती है, छोटी कंपनी तो अमेरिका और यूरोप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो मान लीजिए एक कंपनी है वॉलमार्ट, उनके अमेरिका में हजारों शॉपिंग मॉल्स हैं क्योंकि बहुत सेंट्रलाइज कंपनी है। वॉलमार्ट का एक साल का टोटल से भारत सरकार के बजट से 2 गुना ज्यादा है। भारत सरकार का एक साल का बजट 5.5 लाख करोड़ का है, वॉलमार्ट का एक साल का सेल 11 लाख करोड़ रुपए का। वॉलमार्ट के टक्कर की एक दूसरी कंपनी है यूरोप की, जिसका नाम है केयर फोर। इनकी बहुत बड़ी सीरीज है पूरे यूरोप में, वॉलमार्ट की बहुत बड़ी सीरीज है पूरे यूरोप, अमेरिका और कनाडा में। तो उनके
के बहुत सारे सब कुछ काम सेंट्रलाइजेशन पर आधारित है, ये बात जो है समझ लीजिए। सेंट्रलाइजेशन में कोई काम सस्ते में नहीं हो सकता, उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स और बहुत सेंट्रलाइज तरीके से वो चलाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है और वो मजबूरी है कि भगवान ने प्रकृति ने उनको हर जगह कुछ भी नहीं दिया, कुछ जगह कुछ होता है कुछ जगह कुछ होता है, हर जगह की चीजें एक जगह इकट्ठे करके इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये है उनकी मजबूरी। अब भारत की बात करें, भारत में शॉपिंग मॉल्स क्यों चाहिए? इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ सब कुछ सब जगह होता है। मैंने आपको कहा भारत में 35 राज्य हैं, हर राज्य में गेहूं होता है, चावल होता है, चना होता है, मटर होती है, दाल होती है, हर राज्य में केला होता है, हर राज्य में गन्ना होता है, संतरा होता है, हर राज्य में मूंगफली होती है। आपको जीवन में जो भी चीजें आवश्यक हैं, जो आप घर में मसाले इस्तेमाल करते हैं, लगभग 108 मसाले हमारे जीवन में रोज काम आते हैं, हल्दी है, धनिया है, मेहंदी है, जीरा है, आदि आदि, इनमें से 50% हर जगह होते हैं। हल्दी तो आप लगभग हर समय हिंदुस्तान में कहीं भी हो जाती है। तो जब सब कुछ सब जगह होता है तो हमको सेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है? हम भारत में 7,32,000 गांव के बात करते हैं, 7,32,000 में किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, जीवन जिंदा रखने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो उस गांव में मिल जाएगा। तो भारत में चूंकि हर गांव में सब कुछ होता है, इसलिए यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन वही होता है जहां सब कुछ होता है, सेंट्रलाइजेशन वहां करना पड़ता है जहां कुछ नहीं होता। तो यूरोप और अमेरिका में कुछ नहीं होता तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं, हमारे यहाँ सब कुछ सब जगह होता है तो हम डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को चलाते हैं। अब ये जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी भारत में चल रही है पिछले सैकड़ों साल से, हजारों साल से, समय समय पर इसको तोड़ने की कोशिश की गई, सबसे ज्यादा कोशिश की इसको तोड़ने की अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने डिसेंट्रलाइज इंडियन इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन 250 साल के बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। 250 साल उन्होंने कोशिश की फिर भी कामयाब नहीं हुए। अंग्रेजों से पहले थोड़ी यही कोशिश की पुर्तगालियों ने, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। थोड़ी देर यही कोशिश की फ्रांसीसियों ने, वो भी कामयाब नहीं हुए। और ये अंग्रेज फ्रांसीसी और पुर्तगालियों से थोड़े दिन पहले ये कोशिश की इस्लाम को मानने वाले हैं उन सब विदेशी शासकों ने जो भारत से बाहर के थे, भारत की भूमि पर लूट मार करने आए थे, वो चाहे अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे तैमूर लंग हो, चाहे नादिर शाह हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे बाबर हो, ये सब जो विदेशी शासक आए उन्होंने भी यही कोशिश की कि हिंदुस्तान का जो डिसेंट्रलाइज करेक्टर है इसको तोड़ मोड़ के एक सेंट्रलाइज बना दे, लेकिन वो 600 साल में भी कामयाब नहीं। उन्होंने ये कोशिश 10वीं शताब्दी से शुरू की थी महमूद गजनवी के समय से, और 16वीं शताब्दी तक आते आते उनको भारत से हट ही जाना पड़ा, कामयाब नहीं हो पाए। 400 साल यूरोप वालों ने कोशिश की, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। अब वही कोशिश इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे हैं, वही कोशिश मनमोहन सिंह कर रहे हैं, जिस कोशिश में यूरोपियन फेल हो गए, इस्लामिक रिपब्लिकन लोग फेल हो गए, उसको मनमोहन सिंह कर रहे हैं। मैं आपको ये स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, मनमोहन सिंह भी कामयाब नहीं होंगे, सफल नहीं होने वाले, लेकिन वो नुकसान बहुत करते हैं, सफल तो नहीं होगा, नुकसान बहुत हो जाएगा। सफल क्यों नहीं होगा आप पूछेंगे, जी सफल क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि हिंदुस्तान की आबादी के दो हिस्से हैं, 110 करोड़ की हमारी आबादी है, इसमें एक हिस्सा है जो इंडिया है और दूसरा है वो भारत है। ये जो इंडिया है वो हमारा आपका है, हम सब जिसको हम मिडिल क्लास कहें, अपर मिडिल क्लास कहें, हायर क्लास कहें, इस देश में ये सब इंडिया वाला वर्ग है, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल से 25-27 करोड़ के आसपास है। तो 25-27 करोड़ का एक वर्ग है जो इंडिया में रहता है, इनके बीच में आप शॉपिंग मॉल्स चलाएंगे तो थोड़े ऊपर चल जाएंगे, शायद वहां भी मुझे डाउट है कि वो चल पाएंगे, शायद चल जाए, लेकिन बाकी का जो हिंदुस्तान है 70 करोड़ का, 77 करोड़ का, 78 करोड़ का, वहां तो सफल होने का कोई चांस नहीं। क्यों? हर आदमी जो वहां रह रहा है वो अपने ऊपर स्वावलंबी है, उसके पास सब कुछ है जो उसकी जरूरत का है, उसको गेहूं चाहिए गेहूं पैदा कर लेता है, आटा बनाना है तो घर में वो पत्थर की चक्की है उसको घुमा के आटा बना लेता है।
मशीन भी नहीं चाहिए आटा बनाने की, बिजली आए ना आए उसके ठेले में, वो तो अपनी चक्की चला देंगे, वो आटा बना लेता, बाजरी का बनाना है तो भी चला लेता है, चौबी का बनाना है तो चला लेता है, उसको चटनी बनानी है तो मैगी का इंतजार नहीं करता, वो अपना सिलबट्टा लिया, टमाटर पीस लिया था, चटनी तैयार हो गई, उसको अगर कुछ खाना है तो तुरंत। हमारा आपका इलाका है, इसको थोड़े बहुत शॉपिंग मॉल्स चाहिए, क्योंकि हम और आप थोड़े प्रॉब्लम दीजिए, हमको जो कुछ चाहिए वो हम पैदा कर नहीं पाते, हमको रोज खाने को गेहूं चाहिए, हमारे गेहूं पैदा करने की ताकत हमने नहीं है, दाल चाहिए नहीं है हमारी ताकत, सब्जियां चाहिए नहीं है हमारी ताकत, कॉफी पीते हैं लेकिन कॉफी पैदा नहीं कर सकते, चाय पीते हैं लेकिन चाय पैदा करना हमको मालूम नहीं है, हमको टेक्नोलॉजी नहीं आती, हमारे पास वो नॉलेज बेस नहीं है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं वो हम पैदा कर सके। हम परजीवी लोग हैं, पैरासाइट हैं, खासकर पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग तो सभी पैरासाइट हैं, वो निर्भर हैं ऐसे लोगों पर कि वो कुछ कृपा करते हैं आपके ऊपर पैदा करके देने की तो ठीक है, नहीं तो कल को वो ये कहते कि हम बेचेंगे ही नहीं गेहूं हमारा तो आप क्या कर लेंगे, वो ये कहते कि हम तो चावल बेचेंगे नहीं, हम खाते हैं उतना ही पैदा करेंगे, हम दालें बेचेंगे ही नहीं, हम जितनी दालें चाहते हैं उतनी ही पैदा करेंगे, तो वो वर्ग आपको दे देता है तो आपकी जिंदगी चलती है। तो आप बड़े ठसक में रहते हैं कि आपके पास रुपया है, रुपया क्या होता है जी, डेट है, उसमें क्या दम है रुपए, रुपए से उसकी गनीमत है कि वो आपको कुछ दे दे रहा है, वरना वो रियल वैल्यू क्या है रुपए की, कुछ नहीं, वो तो मरी हुई चीज है, कागज का एक नोट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने उसको कुछ घोषणा कर रखी है कि मैं 100 रुपए देने का वचन देता हूँ, अगर वो घोषणा कल वापस हो जाए तो वो तो कुछ दम नहीं रखता। गेहूं में दम है, चावल में दम है, गेहूं पैदा करने वाला जानता है कि मैं ये गेहूं से कुछ भी खरीद लूंगा, जिसके पास चावल है वो गेहूं ले लेगा और उसको चावल दे देगा, लेकिन आपके पास तो ना गेहूं है ना चावल है, खाली कागज का टुकड़ा है। कल को वो कहे कि मैं नहीं मानता रिजर्व बैंक ऑफ और गवर्नर की किसी बात को नहीं मानता, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको, तब आप उसके सामने गड़गड़ाएंगे, रोएंगे, कहेंगे भैया कुछ तो दे दो, तो कहेगा मुझे कुछ दे दो बदले में, आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए उसके पास। हम मानते हैं कि पहले की इकोनॉमी थी जो बार्टर सिस्टम से चलती थी वो बहुत आइडियल होता है, बार्टर में पता है क्या होता है, सबके पास सब कुछ होता है, सबके पास सब कुछ होता है, क्योंकि वो अपनी चीज से कुछ भी एक्सचेंज कर लेता है, लेकिन ये जो करेंसी वाली इकोनॉमी है इसमें एक क्लास ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय कागज के टुकड़े के, और ये कागज का टुकड़ा तभी तक है जब तक रिजर्व बैंक के गवर्नर की गारंटी है किसी दिन इस देश में कॉलेप्स हो जाए पूरी इकोनॉमी और सरकार डूब जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में हम ये सब रोज देख रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया, थोड़े दिन पहले इसका रिजर्व बैंक, इंडोनेशिया का भी रिजर्व बैंक है, उसका गवर्नर कहता था कि मैं ये गारंटी लेता हूँ जैसे हमारे यहाँ, आज उनकी हर करेंसी का डिवेल्युएशन हो गया तो वो गारंटी वापस लेनी पड़ी। जिम्बाब्वे नाम का एक देश है, आज से 20-25 साल पहले उनके यहाँ भी होता था कि 100 रुपए का उनका अपना करेंसी का नोट है तो उसमें गारंटी होती थी, आज जिम्बाब्वे की 1 लाख करेंसी $1 के बराबर हो गई, 1 लाख करेंसी $1 के बराबर है जिम्बाब्वे, तो उन्होंने सब गारंटी वापस ले लिया। हिंदुस्तान में कल ये नहीं हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, ये यहाँ भी हो गया तो रिजर्व बैंक अपनी गारंटी वापस ले लेगा, तब आप सब परेशान हो जाएंगे, आप करेंगे क्या, किसान तो बच जाएंगे क्योंकि उनके पास जो भी कुछ है वो एक्सचेंज कर रही है, अपनी जिंदगी चला रही है, आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक ऐसी जगह ले जाके खड़ा करना चाहते हैं जहां यूरोप और अमेरिका मजबूरी में खड़े हैं, उनकी मजबूरी को हमारी सरकार स्टेटस सिंबल मान रही है, हमारी सरकार मानती है कि वहां के शॉपिंग मॉल्स हैं वो हमारे लिए आइडियल है, तो इस देश की सरकार अब शॉपिंग मॉल्स खोलने में लगी हुई है, उन शॉपिंग मॉल्स के लिए कंपनियों को बुला रहे हैं, वो कंपनियां यहाँ आ रही हैं, बड़ी बड़ी दुकानें वो खोलते चले जा रहे हैं, परिणाम क्या निकलेंगे इसके, इसके एक ही परिणाम निकलने वाले हैं कि भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी और गरीबी अभी भी पिछले 60 साल में गंभीरतम समस्याओं में है, माने जो हल नहीं हो पाई 60 साल में वो थोड़ी और बढ़ जाए, ये हो। आप बोले लीजिए नए शॉपिंग मॉल्स तो रोजगार खड़े करेंगे, वो जितने रोजगार खड़े करेंगे उससे ज्यादा वो बेरोजगार करते हैं, वो कैसे होने वाला है, कल्पना करिए कि इस कानपुर शहर में 10-12 बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल गए, वॉलमार्ट के या एयरपोर्ट के, तो कानपुर शहर के जो छोटे छोटे किराना व्यापारी हैं ये सब अपनी दुकान पर
बंद करके सड़क पे खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि ये शॉपिंग मॉल्स जो बड़े आएंगे इनको कंपटीशन है छोटे दुकानदारों से, उनके आपस में कंपटीशन कभी भी नहीं होते, ये आप ध्यान रखिए। कभी भी दो बड़ी कंपनी आपस में कंपटीशन नहीं करते, वो एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोका कोला, पेप्सी और कोका कोला का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, उसका कंपटीशन भारत में नींबू के पानी के साथ है, उनका कंपटीशन रस के साथ है, उनका कंपटीशन भारत में संतरे के रस के साथ है, उनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि दोनों एक ही है, अंदर खाने दोनों एक ही। बड़े कंपनीज आपस में मिलजुल कर ही चलते हैं और प्राइस फिक्स होता है ना पेप्सी और कोक का, तो दोनों के मैनेजिंग डायरेक्टर आपस में बैठ के तय करते हैं कि भाई हमारी बोतल इतने की तो तुम्हारी भी इतनी, और फिर दोनों तय कर लेते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो मैं बचाऊंगा, मेरे ऊपर अटैक हो तो तुम बचाना। तो सारी बड़ी कंपनियां जो है ना कार्टेल्स बना के काम करती है, वो दो हो या पांच हो या दस हो, उनमें इंटरनल कंपटीशन कभी नहीं होता। ये बहुत बड़ी हम गलतफहमी के शिकार हैं कि बड़ी कंपनियां आती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, बड़ी कंपनियों के आने से मोनोपोली बढ़ती है, कंपटीशन नहीं बढ़ता है। ये पेप्सी कोक की सबसे बड़ा उदाहरण है। पेप्सी कोक जब आया तो भारत में 12 छोटे बड़े ब्रांड थे, एक थम्सअप ब्रांड था, एक लिम्का ब्रांड था, एक डबल सेवन ब्रांड था, एक गोल्ड स्पॉट ब्रांड था, एक ये ब्रांड था, एक वो ब्रांड था, लेकिन दो बड़े जाइंट आ गए तो सब छोटे ब्रांड खत्म हो गए, या तो वो पेप्सी में मर्ज हो गए या कोका कोला। रमेश चौहान यही महाराष्ट्र के हैं, उनके मुंह से उनकी कहानी सुन लीजिए। उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं अपना पूरा एम्पायर ना बेचूं तो दो दिन बाद मैं भूखे मरने की हालत में आ जाऊंगा, इसलिए मैंने बेच दिया। तो कंपटीशन उनका जो होता है ना वो लोकल लोगों के साथ होता है, लोकल छोटे छोटे ब्रांड्स। तो ये बड़े शॉपिंग मॉल्स आएंगे, इनका कंपटीशन भी भारत की छोटी छोटी दुकानों से होने वाला है। और भारत सरकार के जानकारी के अनुसार, मेरी जानकारी नहीं है ये सरकार की, हालांकि मैं मानता हूँ इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, सरकार बोलती है कि भारत में छोटे दुकानदार 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदार है। इसका मतलब 2 करोड़ छोटी छोटी दुकानें इस देश में चल रही है। तो ये 2 करोड़ जो छोटी छोटी दुकानें हैं ये कॉम्पिटिटर है वॉलमार्ट और केयरफोर। अब वॉलमार्ट और केयरफोर क्या करेगा इनके कॉम्पिटिशन के लिए? वो कहेगा चलो ठीक है 1 साल हम घाटा उठाएंगे, छोटी दुकान में जो माल 10 रुपए का बिक रहा है वॉलमार्ट उसे 8 रुपए का बेचेगा, या छोटी दुकान में जो माल 5 रुपए का बिक रहा है वो 3 रुपए का बेचेगा, या छोटी दुकान में कुछ बिक रहा है तो वॉलमार्ट में वो कहेंगे 1 पर 1 फ्री है ले जाओ। जितनी बड़ी दुकानें हैं सब जगह स्कीम है 1 पर 1 फ्री, 1 शर्ट चाहिए 1 फ्री ले जाओ। आप उसको कहो भैया मुझे 1 ही दे दो। एक आजकल बड़ा ब्रांड नेम आया है कुटुम्स, मैं एक दिन दिल्ली में इनके शोरूम में चला गया, कह रहे थे 1100 रुपए की शर्ट है और 1 पर 1 फ्री है, तो मैं इनका 550 रुपए दे रहा हूँ 1 दे दो। 1100 रुपए में आप 2 शर्ट दे रहे हो 1 पर 1 फ्री है, मैं 550 दे रहा हूँ 1 दे दो मुझे। कह लगे जी ये नहीं, 2 खरीदोगे तो 1100 में ही लेना पड़ेगा, हम 550 में 1 नहीं दे सकते। तो उनकी अपनी पॉलिसी है, ये पॉलिसी के चलते हिंदुस्तान के 2 करोड़ दुकानदार कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते 1 पर 1 फ्री, उनके पास स्पेस नहीं है, उनकी सीमा नहीं है, उनकी लिमिटेशन उनको परमिट नहीं करती कि वो कुछ ऑफर कर सके। तो होने वाला ये है कि जैसे बड़े शहर नागपुर में उनके 10-12 खुल गए बड़े शॉपिंग मॉल्स, तो छोटे छोटे दुकानदार नागपुर में खत्म। अब ये जो छोटे छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे, सरकार के पास इनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, सरकार के पास कोई प्लानिंग भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। और ये पूरे देश के बारे में जरा कल्पना करिए कि 2 करोड़ दुकानदार अगर इस देश में खत्म होते हैं तो 10 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ती है, क्योंकि एक दुकानदार के पीछे 5 आदमी का जिंदगी है इस देश में एवरेज। तो 10 करोड़ लोगों की जीवन आप खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी कोई इकोनॉमी में चेंज आए तो वो देश के हित में होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास चॉइस बहुत होगी, ठीक है चॉइस बहुत होगी, मान लीजिए एक बड़े शॉपिंग मॉल में आप चले गए तो आपको जो चीज खरीदनी है उसके हो सकता है 100 ब्रांड हो, आपको साबुन खरीदना है तो साबुन के 100 ब्रांड हो सकते हैं, 150 ब्रांड हो सकते हैं, 300 ब्रांड हो सकते हैं, लेकिन होगा तो साबुन ही ना, दूध तो नहीं मिलेगा साबुन की जगह। तो पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं,
हम ये सोचते हैं हमें चॉइस बहुत है, 150 ब्रांड में से एक हम खरीद के लाएंगे, साबुन ही होने वाला है, साबुन से आगे तो कुछ नहीं मिलेगा उस सेक्टर में। वॉशिंग पाउडर खरीदेंगे, हो सकता है 150 ब्रांड नहीं हो लेकिन वॉशिंग पाउडर ही होगा ना, अमृत तो नहीं होगा, गंगा जल तो नहीं होगा। अगर आपको कोई क्रीम खरीदते हैं तो हो सकता है 1000 ब्रांड नहीं हो उनके पास, तो क्रीम ही होगी ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो हम बार बार करते हैं कि हमारे पास चॉइस होगी, हम चॉइस से ये खरीद सकेंगे, थोड़े दिन मान लो आपकी ये चॉइस आपने पूर्ति कर ली, फिर क्या होगा आगे जरा सोचें। बोलने वाला ये है कि जब आपकी इकोनॉमी में 2 करोड़ लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए लगे हुए हैं छोटी छोटी दुकानों के हिसाब से, ये अगर बेरोजगार होते हैं तो 10 करोड़ लोगों की तो परचेसिंग कैपेसिटी ही खत्म, क्योंकि उनके पास रोजगार का दूसरा साधन नहीं। अगर उनकी परचेसिंग कैपेसिटी खत्म हुई तो मार्केट में डिमांड कम, और मार्केट में डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, और मार्केट में डिमांड और प्रोडक्शन दोनों ही कम तो इकोनॉमी कोलैप्स, और इकोनॉमी कोलैप्स तो आप सबको डूब मरने के लिए कोई रास्ता नहीं। सोचिए इसको इस तरह से। उसमें पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद दुनिया की कोई भी सर्विस कंपनी के लिए आप दरवाजे खोल दीजिए, कोई भी कंपनी भारत में आके सर्विस प्रोवाइड करे, आप उसको ना नहीं कहिए। अब सर्विसेज में क्या आता है? प्रोडक्शन को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब सर्विसेज में आता है। उत्पादन को छोड़कर, आप जहां जहां उत्पादन करते हैं उस हिस्से को छोड़कर दुनिया का सब काम सर्विसेज में आता है। अर्थात स्कूल चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, यूनिवर्सिटी चलती है, ये सब सर्विसेज में आता है। हॉस्पिटल चलते हैं, ये सब सर्विसेज में आता है। गली नालियों की सफाई की जाती है, ये सब सर्विसेज में आता है। होटल चलते हैं, ये सब सर्विसेज में आता है। हमारे देश में एडवोकेट्स हैं, वो सभी सर्विसेज में माने जाते हैं। ये तंबू कनात पंडाल लगाने वाले सब सर्विसेज में आते हैं। साउंड सिस्टम वाले सर्विसेज में सब कुछ। ये हम आपके पास आए हैं ये बात करने के, और इतनी बात तो मैंने कही ये WTO के एग्रीकल्चरल सेक्शन की, जिसमें 56 शर्तें हैं, मैंने 3 बताई हैं। ऐसी हरेक विषय में है। एक विषय है एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज, कुछ आता है उत्पादन को छोड़कर। तो शर्त क्या है WTO की? पहली ही शर्त यह है कि 1 जनवरी 2005 के बाद भारत में कोई भी विदेशी कंपनी आकर सर्विस देना चाहे तो आप उसको रोक नहीं सकते, उसके लिए दरवाजे खोलिए। अर्थात 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कंपनी आके भारत में रेस्टोरेंट खोलना चाहे, होटल खोलना चाहे, ढाबे खोलना चाहे, आप उसको परमिशन दीजिए, आप उसे रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई कंपनी आके डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहे, उसको परमिशन दीजिए, आप रोक नहीं सकते। 1 जनवरी 2005 के बाद अमेरिका की कोई भी कंपनी आके भारत में कॉलेजेस खोलना चाहे, स्कूल खोलना चाहे, इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहे, यूनिवर्सिटी खोलना चाहे, उसको खुली छूट दीजिए, आप उसे रोक नहीं सकते। हर क्षेत्र में अगर आप उनको खुली छूट देंगे तो होने वाला क्या है? एक छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए अमेरिका की एक कंपनी आती है, उसका नाम है वॉलमार्ट। बहुत बड़ी कंपनी है, दुकान चलाने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे ज्यादा इसी कंपनी के हाथ में है। और एक और कंपनी है, वो यूरोप की है, फ्रांस की है, उसका नाम है केयरफोर।
ये वॉलमार्ट और केयरफोर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन दोनों का धंधा एक ही है, हर जगह जाके दुकानें खोलना। अगर ये केयरफोर और वॉलमार्ट अगले साल से भारत में आ गए और इन्होंने हर शहर में अपनी दो चार दुकानें खोलना शुरू कर दिया और इन दुकानों पर उन्होंने आधे आधे कपड़े पहने हुए लड़कियों को बिठाना शुरू कर दिया, स्कर्ट पहने हुए लड़कियां और टॉपलेस पहने हुए लड़कियां उनके काउंटर पे बैठी हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं और हर दुकान से उन्होंने एक के साथ एक फ्री, दो के साथ एक फ्री, तीन के साथ एक फ्री देना